आज हम लोग त्रिकोणमिति में जो मान ज्ञात करना होता है कोणों के, तो उसका चार्ट किस तरह से तैयार किया जाता है। ये त्रिकोणमिति में 6 लोग हैं, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो इनका इनका जो कोण दिया गया जाता है, जैसे 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, तो इनका मान ज्ञात करने के लिए एक चार्ट बनाया जाता है। तो मैं आज एक आसान ट्रिक देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये चार्ट आप भी बनाना आसानी से सीख जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले मैं ये बना अब इसमें साइन लिख देता हूँ। ये वाले में कॉस, और तीसरे वाले में टेन लिख देता हूँ। इसके बाद यहाँ मैं कोण बना देता हूँ, 0 अंश, 20 अंश, 45 अंश, 60 अंश। और इसमें हम शुरुआत शून्य से करेंगे। पहले साइन का मान लिखेंगे, शुरुआत शून्य से करेंगे। शून्य का शून्य और 90 का एक, शून्य से किए और 90 पर खत्म कर दिए। अब आप लोग को 30-60-90 का प्रमेय पढ़े हैं, उसमें 30 की सम्मुख भुजा कितनी होती है, 1/2 लिख दो आप। 60 की सम्मुख भुजा कितनी होती है, करणी में 3, तीन बटे दो। अब 45 का 1/2 करणी में 2 ये होता है। 30 की सम्मुख भुजा 1/2 होती है, 45 की सम्मुख भुजा 1/2 करणी में 2 होती है, और 60 की सम्मुख भुजा करणी में 3/2 होती है। ये आप लोगों ने 30-60-90 का प्रमेय और 45-45-90 का प्रमेय पढ़ाया, उसमें ये सब लिखा हुआ था। कॉस की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप 90 वाले में आप उल्टा कर दोगे। ये जहाँ शून्य लिखे थे ना, उसके नीचे आप 1 लिख दो, और जहाँ 1 था वहाँ आप शून्य लिख दो। 1/2 की जगह आप करणी में 3/2 लिख दो, और करणी में 3/2 की जगह आप 1/2 लिख दो। अब 45 का कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब बात समझ में आई ना,
ये जो आपने जहाँ जीरो लिखा था वहाँ एक लिख दिया, एक की जगह जीरो लिख दिया, आपने चेंज कर दिया। अब 30 और 60 में चेंजेस कर दिया आपने। 30 में करणी में 3/2 आ गया और 60 में 1/2 आ गया, और जो आपका 45 अंश है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब आपको 10 का मान ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 का एक सूत्र होता है, साइन बटे कॉस। ये इसका सूत्र होता है, साइन बटे कॉस इसका सूत्र होता है। तो हम साइन बटे कॉस कर लेंगे, 0/1 के 0/1 कितना हो जाएगा, 0। अब इसको बटे करने जाएंगे तो हमको क्या करना है, मन में आप ये जो हर है उसको काट लो, क्या बचेगा, 1/3। यहाँ पे करणी में 2 कट कर लो, मन में 1/1 का मतलब 1 हो गया, यहाँ 2 कट कर लो, 2 और 2 है ना, यहाँ पे 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा करणी में 3/1, इसका मतलब कितना हुआ, करणी में 3। और 1/0 जो होता है, किसी भी संख्या का अगर हर 0 आ गया तो वो अपरिभाषित रहता है, अपरिभाषित। इसमें हम लोग, मैंने पहले का ही जो कॉलम था वो बना के रखा है, इसमें क्या करेंगे, पहले कोसेक कोसेक में क्या होता है कि जितने भी मान है साइन के हैं वो उसके उल्ट उसका उल्टा लिखना है। जैसे आपने 30 का मान देखा था, 30 का समभुज कितना होता है, 1/2, या 2/1 हो जाएगा, 2/1 मतलब 2। पैंतालीस अंश का आपने कितना देखा था, 45 की समभुजा कितनी होती है, 1/2, ये कितनी हो जाएगी, करणी में 2। और 60 अंश की आपने कितना देखा था, करणी में 3/2, तो वो कितना हो जाएगा, 2/3 करणी में 3। इसके बाद 90 अंश और ये 0 का देखना, तो 0 और 90 अंश में क्या देखना है कि आपको 1/2 लिखना है। अब जैसे साइन का 0 कितना था, 0 से शुरुआत किया था आपने, 0/1 कितना हो गया, 0। और 90 में कितना था आपका, 1 था, 1/1। एक मिनट, एक मिस्टेक हो रहा है, अगर आप कोसेक है तो 1/sin थीटा देखेंगे, 1/sin का 0 का मान कितना था, 0 था, 1/0 मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित। अपरिभाषित। और 90 कितना था, साइन का 1 था, 1/1 कितना हो गया, 1। अब कॉसेक के बाद कितना, कौन सा कौन आता है, सेक। इसमें आपको उल्टा ही करना है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये जहाँ 1 लिखा है, 1 इधर लिखा है, तो इस 1 को यहाँ लिख दो और ये अपरिभाषित हो जाएगा। और ये 2/3 करणी में 3 को यहाँ लिख दो और 2 को यहाँ लिख दो, यह आपका कोई भी चेंज। इसके बाद तीसरा क्या था आपका, कॉट। इसमें कॉट थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 थीटा का उल्टा लिख लेंगे। 10 थीटा में क्या था आपको, यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, 10 में क्या था, 0 में हमने 0 लिखा था और 90 में अपरिभाषित लिखा था। और इसका 30 कितना था, 45 एक था, 30 इसका 1/3 करणी में 3 था, और 60 इसका केवल करणी में 3 था।
अब इसको ही हम लोग उल्टा यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पहले वाले में अपरिभाषित लिख देंगे और 90 वाले में जीरो लिख देंगे। एक बटे करणी में तीन का करणी में तीन हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही रहेगा, करणी में तीन का एक बटे करणी में तीन हो जाएगा। इस तरह से आप मान इसको याद रख सकते हो। कोशिश रहे ये थी मेरी कुछ नया करने की, शायद आपको ये नया चीज़ पसंद आए।